स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं MSPL शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड। हम लोग 3 आवर के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट तक एनालाइज करके जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे। 3 आवर के चार्ट पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17.05 रुपये का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 18.15 रुपये का। थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 20.25 रुपये का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 15.40 रुपये का, 15.40 रुपये का। इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 13.90 रुपये का। इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 12.85 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे डे कैंडल पे। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17.55 रुपये का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 18.80 रुपये का। थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 20.95 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 15.05 रुपये का। सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 13.55 रुपये का और थर्ड स्टॉप लॉस होगा 12 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17.75 रुपये का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 19.10 रुपये का और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 22.15 रुपये का, 22.15 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 14.80 रुपये का। सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 13 रुपये का और थर्ड स्टॉप लॉस होगा 11.30 रुपये का, 11.30 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे मंथली कैंडल पे। तो मंथली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 19.10 रुपये का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 22.15 रुपये का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 26.55 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 13 रुपये का। इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 9.95 रुपये का और थर्ड स्टॉप लॉस होगा 7.45 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग इसको टेक्निकली देखेंगे फ्रेंड। MACD और RSI सेट करेंगे। तो मंथली कैंडल पे देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, इसका RSI जो है 68 पे है और MACD अभी तक बुलिश है। वीकली कैंडल पे बात करें तो वीकली कैंडल पे काफ़ी हाई है MACD, अभी इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। और डे कैंडल पे बात करें तो डे कैंडल पे 70 पे है और डे कैंडल पे RSI 70 पे है और MACD जो है वो अभी तक बेयरिश ही दिख रहा है। अब हम लोग चलेंगे फंडामेंटल की ओर। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो एक मंथ में देखिए 80% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने, एक मंथ में 80% का रिटर्न, एक ईयर में 119% का रिटर्न, ये आपके लिए तो मल्टीबैगर हो गया है। और बाउंड वीक की आई की बात करें तो 18.90 रुपये है, बाउंड वीक लो की बात करें 6.90 रुपये है। मार्केट कैप की बात करें तो 626 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ये एक पेनिया स्टॉक है। और शेयर होल्डर्स की बात करें 16.7 के इसका शेयर होल्डर्स है। और न्यूज़ की बात करें तो इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ है 4 दिन पुराना, इसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। अब यहाँ देखते हैं अगले ट्रेडिंग, मतलब पिछले ट्रेडिंग डे में इसने 0.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और बात करें ओपनिंग की और प्रीवियस क्लोजिंग इसका जो था वो 16.20 रुपये था, उसके अगले दिन ये ओपन हुआ था 16.75 रुपये पर, मतलब 55 पैसा का गैप अप ओपनिंग किया था। हाई लगाया था इसने 17.40 रुपये का, लो बनाया था 15.50 रुपये का और मार्केट इसने क्लोज किया है 16.25 रुपये पे। ठीक है फ्रेंड,
तो आशा करता फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।